फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम एक नए यूनिट की तरफ चलेंगे, इरिगेशन इंजीनियरिंग के नए यूनिट की तरफ चलेंगे, जिसका नाम है डैम एंड स्पिलवे। प्यारे बच्चों, आपके सेमेस्टर में, आपके फिफ्थ सेमेस्टर में इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका डैम एंड स्पिलवे। इसी टॉपिक से प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसको हम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करें डैम का, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डैम का। तो डैम क्या है प्यारे बच्चों, डैम क्या है? तो हम ये बोल सकते हैं कि डैम एक मैसिव स्ट्रक्चर है। डैम क्या है? मैसिव कहने का मतलब होता है बहुत बड़ा स्ट्रक्चर। डैम एक मैसिव स्ट्रक्चर है जो अक्रॉस द, कहाँ कंस्ट्रक्ट किया जाता है? अक्रॉस द रिवर और स्ट्रीम। किस लिए कंस्ट्रक्ट किया जाता है? तो पानी को रोकने के लिए, पानी के फ्लो को रोकने के लिए, या पानी को स्टोर करने के लिए, वाटर को स्टोर करने के लिए। तो हम क्या बोलेंगे पहले बच्चों, डैम इज अ मैसिव स्ट्रक्चर, डैम इज अ मैसिव स्ट्रक्चर, डैम इज अ मैसिव स्ट्रक्चर, अ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर और अ स्ट्रीम which retain the flow of water और restore the water at upstream side, ठीक है पहले बच्चों। देखिए हमने क्या बोला कि डैम एक मैसिव स्ट्रक्चर है कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर और स्ट्रीम। हमने क्या बोला कि डैम एक मैसिव स्ट्रक्चर है जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है कहां पे? अक्रॉस द रिवर और स्ट्रीम। बात समझ में आया? स्ट्रीम या रिवर के पास क्या किया जाता है? कंस्ट्रक्ट किया जाता है। विच रिटेन द फ्लो ऑफ वाटर, जो क्या करता है? वाटर के फ्लो को रिटेन करता है, रोकता है, या रिस्टोर द वाटर एट अपस्ट्रीम साइड। तो प्यारे बच्चों पहले हम समझेंगे कि अपस्ट्रीम साइड कहने का मतलब क्या है। मान लीजिए प्यारे बच्चों, मान लेते हैं ये आपका डैम है। डैम में इधर होगा पानी, जिस साइड में पानी रिस्टोर होता है, वो साइड आपका अपस्ट्रीम साइड कहलाता है, अपस्ट्रीम साइड। और इधर क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? डाउन स्ट्रीम साइड। बात समझ में आया? तो प्यारे बच्चों हमने डैम का डिफिनेशन क्या दिया? हमने बोला डैम एक मैसिव स्ट्रक्चर है जो अक्रॉस द रिवर या स्ट्रीम पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जो क्या करता है? फ्लो ऑफ वाटर को रोकता है, या हम ये बोल सकते हैं कि पानी को रिस्टोर करता है ना, एट अपस्ट्रीम साइड। बात समझ में आया? तो प्यारे बच्चों ये आपका डैम है। डैम जिधर पानी रिस्टोर करता है उसको अपस्ट्रीम साइड कहते हैं। जिधर पानी स्टोर नहीं रहता है, जिधर सूखा रहता है या थोड़ा बहुत पानी रहता है, जिसको हम लोग डाउन स्ट्रीम साइड कहते हैं। तो सबसे पहले आप इस डिफिनीशन को देख लीजिए प्यारे बच्चों। अब हम लोग देखेंगे कि जहां पे हम लोग डैम बनाएंगे उसके साइड का सिलेक्शन कैसे करेंगे। बात समझ में आया? तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे साइट सिलेक्शन ऑफ डैम। जहां पे हमको डैम बनाना है, जिस साइट पे डैम बनाना है, उस साइट को सिलेक्ट कैसे करेंगे? क्योंकि प्यारे बच्चों हमको पता है कि डैम जो है वो हैवी स्ट्रक्चर है। तो हैवी स्ट्रक्चर होगा तो हैवी स्ट्रक्चर बनाने के लिए सॉइल भी उतना, मतलब उसका बेयरिंग कैपेसिटी होना चाहिए ना, लोड सहने का क्षमता होना चाहिए। तो और क्या क्या चाहिए उस साइट को सिलेक्ट करने के लिए, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों, the following points should be considered
while selecting साइट फॉर डैम। प्यारे बच्चों हमने क्या बोला कि डैम के साइट को सेलेक्ट करने के लिए फॉलोइंग पॉइंट्स को क्या करना होगा, कंसीडर करना होगा। फॉलोइंग पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना होगा, उन सारे पॉइंट्स को हम बारी बारी से लिखते हैं ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट्स क्या है, गुड फाउंडेशन शुड बी अवेलेबल। प्यारे बच्चों ये मैसिव कंस्ट्रक्शन है, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन है, इसलिए जो फाउंडेशन जो दीजिएगा वो बहुत ही हैवी देना होगा, तभी तो आपका मैसिव स्ट्रक्चर साफ आएगा। इसीलिए गुड फाउंडेशन शुड बी अवेलेबल। बात समझ में आया? तो प्यारे बच्चों जहां पर आप डैम बनाना चाहते हैं वहां पर आपको गुड फाउंडेशन देने का आवश्यकता होगा। चलिए दूसरा, It should be located in narrow valley. नैरो वैली कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों कि देखिए आपका अगर इसका कंस्ट्रक्शन का बात करें तो इस प्रकार से मान लीजिए डैम है आपका, ये प्रकार से डैम है ना, इसका लेंथ इस टाइप का होगा, इधर लेंथ होगा। तो इसके लिए देखिए जो डैम हम बनाएंगे तो देखिए इसका विड्थ बहुत ही कम है लेकिन लेंथ बहुत ही ज्यादा है, तो इसको बोलते हैं नैरो स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? नैरो। विड्थ बहुत ही कम है लेकिन लेंथ बहुत ही ज्यादा होगा, तो इसको कहते हैं नैरो स्ट्रक्चर। तो यही बात बोला गया कि जो आप डैम जहां पे बनाइएगा वहां पे नैरो वैली स्ट्रक्चर लोकेटेड होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, तीसरा नंबर है प्यारे बच्चों, It should have sufficient space for a spillway. अब यहां पे बात आया प्यारे बच्चों कि स्पिलवे किसको कहते हैं ना। अब देखिए प्यारे बच्चों स्पिलवे क्या कहते हैं, कभी कभी आप देखते होंगे कि अपस्ट्रीम साइड में ज्यादा वाटर आ गया, मतलब एक्सेस वाटर आ गया, या उसको बोल सकते हैं सरप्लस वाटर आ गया, तो सरप्लस वाटर को रिमूव करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्पिलवे। बात समझ में आया? तो स्पिलवे जो होता है डैम का सेफ्टी वाल्व कहलाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आपका डैमेज होने के चांसेस होंगे। क्या? डैम। तो स्पिलवे एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो डैम्स के सरप्लस वाटर को रिमूव करने में मदद करता है। तो वो सरप्लस वाटर को रिमूव करने के लिए जो आप स्पिलवे बनाते हैं तो स्पिलवे बनाने के लिए लोकेशन होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, चौथा नंबर, इम्परवियस बेड and side so as to reduce erosion। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या बोला, देखिए ये क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जो डैम का जो देखिए ये आपका है ना, डैम का जो बेड होगा वो इम्परवियस होना चाहिए। इम्परवियस करने का मतलब है पानी वहां से पास नहीं करना चाहिए। मान लीजिए हम पानी यहां से रोक रहे हैं प्यारे बच्चों, यहां से पानी नीचे चला जा रहा है तो वो तो हमारा काम करेगा नहीं। तो इसका जो बेड होना चाहिए इम्परवियस बेड होना चाहिए ताकि पानी को रिस्टोर कर सके, सीपेज के कारण लॉस ना हो सके। दूसरा बात यह है कि जो साइड होगा, ये जो साइड देख रहे ना, ये साइड जो है वो इरोजन नहीं करे, इरोजन उसमें नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मारे वेलोसिटी जोर से और डैम का इरोजन हो जाए, तो डैम का इरोजन भी नहीं होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, It should fulfill the purpose that is irrigation, drinking, etc. देखिए प्यारे बच्चों क्या बोले, हम बोले प्यारे बच्चों कि
जिस कारण से, जिस पर्पस के लिए हम डैम बना रहे हैं, वो पर्पस आपको फुलफिल होना चाहिए। आपका पर्पस क्या है कि ये डैम के पानी से खेत का सिंचाई करेंगे, इरिगेशन करेंगे, या हमारे कम्युनिटी के हो, हमारे शहर को पानी पीने के लिए प्रोवाइड करेंगे। तो इतना कम से कम डैम को इतना बड़ा बनाना है कि कम से कम जो आपका पर्पस है वो फुलफिल होना चाहिए, मतलब इरिगेशन सफिशियंट अमाउंट में हो जाना चाहिए, ड्रिंकिंग भी आपको पहुंच जाना चाहिए। बात समझ में आया? ऐसा नहीं कि पैसा भी लगाएं, छोटा सा स्ट्रक्चर बना दिए और उससे हमारा जो पर्पस है वो भी फुलफिल नहीं हो रहा, तो जो भी आप पैसा लगाएं वो सारा बर्बाद हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका मटेरियल शुड बी इजीली अवेलेबल नियर बाय साइट। मटेरियल शुड बी इजीली अवेलेबल नियर बाय साइट। जिस साइट पे, मतलब जो साइट का हम सिलेक्शन कर रहे हैं डैम्स के लिए, उसके नियर में इसका मटेरियल मिलना चाहिए डैम बनाने के लिए, मतलब सीमेंट, सैंड, बालू, गिट्टी और भी बहुत सारे जो मटेरियल्स होंगे वो साइट के नजदीक आपको मिल जाना चाहिए, वैसा ही साइट आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों, इट शुड बी इजिली एक्सेसिबल थ्रू आउट द ईयर। मतलब प्यारे बच्चों, आपको सालों भर इसमें पानी रहना चाहिए, मतलब पानी रहना चाहिए और आपके पर्पस को फुलफिल करना चाहिए। इट शुड बी इजिली एक्सेसिबल थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल तक आपके पर्पस को फुलफिल करना चाहिए, दैट मीन्स एक्सेसिबल होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा था साइट सिलेक्शन फॉर डैम, कैसे हम साइट करें, साइट ऑफ डैम को सेलेक्ट करेंगे, वो हमने कुछ पॉइंट्स आपको हमने बताया। तो प्यारे बच्चों, इन सारे पॉइंट्स को पहले आप नोट डाउन कीजिए, अब हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डैम, है ना, टाइप्स ऑफ डैम। प्यारे बच्चों, डैम्स तो बहुत तरीके के होते हैं, बट हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है वो दो तरीके के डैम्स के बारे में पढ़ना है। पहला है ग्रेविटी डैम और दूसरा है अर्थन डैम। तो प्यारे बच्चों, हम इन्हीं दोनों डैम्स के बारे में डिस्कस करेंगे ना। तो मेनली टू टाइप्स ऑफ डैम वी स्टडी अंडर दिस चैप्टर। क्या बोले प्यारे बच्चों, मेनली टू टाइप्स ऑफ डैम हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। पहला है आपका ग्रेविटी डैम और दूसरा है आपका अर्थर्न डैम। दूसरा क्या है आपका? अर्थर्न डैम। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, मेनली टू टाइप्स ऑफ डैम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस चैप्टर में, जिसमें सबसे पहला है ग्रेविटी डैम और दूसरा है अर्थर्न डैम। तो प्यारे बच्चों, बारी बारी से दोनों टाइप्स ऑफ डैम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे ना। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे ग्रेविटी डैम, फिर पढ़ेंगे हम लोग अर्थर्न डैम के बारे में। तो पहले आप उसको नोट डाउन कीजिए, हम लोग चलेंगे ग्रेविटी डैम की ओर। चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रेविटी डैम्स के बारे में। किसके बारे में? ग्रेविटी डैम्स के बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। ग्रेविटी डैम्स, तो देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग ग्रेविटी डैम्स के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ग्रेविटी डैम कहते किसको, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका डिफिनेशन आप लोग लिखिएगा, ए ग्रेविटी डैम इज अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर विच इज मेड ऑफ कंक्रीट मैसोनरी
कंक्रीट मेसोनरी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस ए अक्रॉस ए रिवर टू स्टोर द वाटर and release some time later when needed. Self weight is the major stabilizing force in a gravity dam. Force in a gravity dams. देखिए प्यारे बच्चों क्या बोला, सबसे पहला तो बात बोला है कि ग्रेविटी डैम इज हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। ग्रेविटी डैम क्या, एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है विच इज मेड ऑफ कंक्रीट मैसोनरी, जो किसका बना हुआ है, कंक्रीट मैसोनरी का बना हुआ, कंक्रीट का बना हुआ है, ठीक है ना। और कहां पे बना हुआ है, कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस ए रिवर, तो ये भी आपका क्या है, डैम्स है, तो अक्रॉस द रिवर ही कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। किस लिए किया जाएगा भाई, तो टू स्टोर द वाटर, ये भी डैम्स है तो स्टोर करेगा वाटर को, टू स्टोर द वाटर एंड रिलीज सम टाइम लेटर। प्यारे बच्चों जो वाटर को आप स्टोर कीजिएगा उसको जब आपका काम पड़ेगा, जब आपका कुछ पर्पस होगा, इरिगेशन करना होगा या ड्रिंकिंग के लिए छोड़ना होगा, तो आपको रिलीज करना होगा वाटर को, तो रिलीज करेंगे सम टाइम लेटर, कुछ टाइम के बाद उसको क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे वाटर को, वेन नीडेड, जब आवश्यकता पड़ेगी तब उस वाटर को क्या करेंगे, कुछ घंटों के बाद उसको हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट पॉइंट बोला प्यारे बच्चों, सेल्फ वेट इज द मेजर स्टेबलाइजिंग फोर्स इन अ ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम में जो सेल्फ वेट होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइजिंग फोर्स होता है। मतलब क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, मान लीजिए प्यारे बच्चों ये आपका क्या है, मेन एरिया, ये आपका डैम्स है, तो डैम्स होगा तो इधर फोर्स लगेगा प्यारे बच्चों, क्यों इधर फोर्स लगेगा, मान लीजिए ये अपस्ट्रीम साइड है, ये आपका क्या है अपस्ट्रीम साइड है, ये आपका अपस्ट्रीम साइड है, तो वाटर तो प्रेशर लगाएगा ना, तो वाटर प्रेशर लगाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका ओवरटर्न करने का कोशिश करेगा, तो ओवरटर्न कर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, टूट जाएगा डैमेज। तो ये आपका जो क्या है, ये आपका जो सेल्फ वेट है, सेल्फ वेट जो है इसको कलटने से रोकता है, मतलब ओवरटर्न होने से रोकता है। तो यही बात लिखा हुआ है कि ग्रेविटी डैम में जो सेल्फ वेट है वो स्टेबलाइजिंग फोर्स होता है। ग्रेविटी डैम में स्टेबलाइजिंग फोर्स कौन होता है, सेल्फ वेट। क्यों स्टेबलाइजिंग, अगर सेल्फ वेट के कारण ही वो स्टेबल होता है, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, ओवरटर्न हो जाएगा, टूट जाएगा, कलट जाएगा, है ना। तो चलिए पहले आप इसके डिफिनेशन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, है ना। अब हम इसमें देखेंगे फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी डैम में कौन कौन सा फोर्स एक्ट करता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बारी बारी से, है ना। तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी डैम में कौन कौन सा फोर्स एक्ट करेगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों बहुत सारा फोर्स एक्ट करता है। सबसे पहले मान लीजिए ये आपका ग्रेविटी डैम है, ये कोई कंक्रीट का बना हुआ मैसोनरी स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्रेविटी डैम बोल रहे हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो देखिए इसका वेट लगेगा, इसका खुद का सेल्फ वेट लगेगा, है ना, तो सेल्फ वेट फोर्स भी लगेगा, पहला बात। चलिए ये प्यारे बच्चों आपका अपस्ट्रीम साइड है, ये आपका क्या है अपस्ट्रीम साइड है, और ये आपका डाउनस्ट्रीम साइड है। अब देखिए प्यारे बच्चों मैक्सिमम वाटर, मतलब वाटर किधर होता है स्टोर, अपस्ट्रीम साइड, तो प्यारे बच्चों वाटर स्टोर है अपस्ट्रीम साइड, है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों वाटर का प्रेशर लगेगा कि नहीं डैम पे, वाटर का प्रेशर लगेगा ना डैम पे अपस्ट्रीम साइड की ओर, तो वाटर प्रेशर लग रहा होगा पीडब्ल्यू। अब देखिए मान लेते हैं प्यारे बच्चों वाटर में कोई सिल्ट पार्टिकल है, सिल्ट पार्टिकल कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, धूल कण है, बालू वगैरह है ना, तो वो जो सिल्ट पार्टिकल है प्यारे बच्चों, वो सिल्ट पार्टिकल भी क्या लगाएगा, भले सिल्ट पार्टिकल थोड़ा सा होगा लेकिन वो सिल्ट पार्टिकल भी क्या करेगा, इस ग्रेविटी डैम पे फोर्स लगाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे सिल्ट प्रेशर बोलेंगे। कौन सा प्रेशर बोलेंगे, सिल्ट प्रेशर बोलेंगे। चलिए
मान लेते हैं प्यारे बच्चों डाउन स्ट्रीम साइड में भी थोड़ा बहुत पानी है, डाउन स्ट्रीम, अगर पानी नहीं होगा तो प्रेशर नहीं लगाएगा, बट हम मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत पानी डाउन स्ट्रीम साइड में भी है, तो डाउन स्ट्रीम साइड वाला जो वाटर होगा वो भी थोड़ा ना थोड़ा सा प्रेशर लगाएगा। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये हैवी स्ट्रक्चर है आपका ग्रेविटी डैम, क्या एक हैवी स्ट्रक्चर है, तो ये अर्थ भी नीचे से इसको क्या लगाएगा, अपलिफ्ट फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा, अपलिफ्ट फोर्स लगाएगा। बात समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, तो उन सारे फोर्सों को पहले हम लिख लेते हैं। तो पहले सबसे पहले हम लिखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए ग्रेविटी डैम। बात समझ में आया, तो बहुत सारे तरीके का क्या होता है, फोर्स लगता है आपके ग्रेविटी डैम पे, उन सारे फोर्सों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हम बात करेंगे वेट ऑफ डैम, डैम का वेट लग रहा होगा प्यारे बच्चों। दूसरा हम बात करेंगे आपका वाटर प्रेशर लग रहा होगा प्यारे बच्चों, वाटर प्रेशर लग रहा होगा प्यारे बच्चों। अगर पानी में मान लीजिए क्या है, फ्लो ज्यादा है, तो फ्लो ज्यादा होगा तो वेव इस तरह से पानी होगा, इस तरह से पानी का फ्लो होगा, तो इसको कहते हैं वेव प्रेशर भी लगेगा। तो तीसरा हम अगर बात करें तो वेव प्रेशर भी आएगा पानी में, मतलब ग्रेविटी डैम पे क्या आएगा, वेव प्रेशर भी आएगा। वेव प्रेशर के बाद हमने क्या बोला था प्यारे बच्चों, अपलिफ्ट प्रेशर भी आएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, अपलिफ्ट प्रेशर के बाद हम लोग बोल सकते हैं विंड प्रेशर भी आएगा। अरे भाई विंड प्रेशर आएगा या नहीं आएगा, हवा आपको लगाएगा ना प्रेशर इस पे, तो हवा का भी प्रेशर होगा। नेक्स्ट आपका सिल्ट प्रेशर होगा। अब प्यारे बच्चों ये भी हो सकता है कि अर्थ क्यूब प्रेशर भी आ जाए, हो सकता है कि अगर अर्थ क्यूब वहां पे आता हो, अर्थ क्यूब प्रोन एरिया हो जहां पे अर्थ क्यूब ज्यादा आता है, तो अर्थ क्यूब प्रेशर भी आ सकता है। तो अर्थ क्यूब प्रेशर, इतने तरीके का प्यारे बच्चों प्रेशर लगता है, इतने तरीके का प्रेशर लगता है। अगर कभी कभी ऐसा हुआ प्यारे बच्चों, मान लीजिए ठंडे के दिन में आपका जो है टेम्परेचर, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया, तो ये वाटर जो है आइस के फॉर्म में बन जाता है। किस फॉर्म में, आइस के फॉर्म में बन जाता है, तो वो आइस का जो क्रिस्टल होता है वो भी आपको ग्रेविटी डैम पे कुछ ना कुछ प्रेशर लगाता है, जिसको हम आइस प्रेशर कहते हैं। लेकिन वो प्रेशर जो है नेग्लेजिबल होता है, और वो संभव ही नहीं है कि उतना ठंड आ जाए कि आपका जो पानी है वो एकदम आइस के फॉर्म में हो जाए, ठीक है ना। तो मेनली इतने तरीके के फोर्सेस एक्ट करते हैं आपके ग्रेविटी डैम में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम देखेंगे कि कैसे हम वेट ऑफ डैम निकालेंगे, कैसे हम वाटर प्रेशर निकालेंगे, उन सारे बातों को हम चर्चा करेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वाटर प्रेशर का, है ना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वाटर प्रेशर का। तो वाटर प्रेशर प्यारे बच्चों आप फ्लूड में भी पढ़ चुके होंगे, कैसे हम लोग वाटर प्रेशर निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों हमको पता है कि ये जो पानी जो है इस पे फोर्स लगाएगा, और फोर्स का जो प्रेशर डायग्राम बनता है वो कैसा बनता है, ट्रायंगल बनता है। कैसा बनता है प्यारे बच्चों, ट्रायंगल बनता है। और ट्रायंगल तो बनता है प्यारे बच्चों, और जो मैक्सिमम प्रेशर होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, गामा डब्ल्यू क्या है यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना होता है प्यारे बच्चों, यूनिट वेट ऑफ वाटर आप लोग को याद होना चाहिए, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े होंगे। तो यूनिट वेट ऑफ वाटर जो होता है वो होता है प्यारे बच्चों 9.81 kN/m³। यहां कभी कभी डेंसिटी को ही बता देते हैं यूनिट वेट, 1 g/cc या 1000 kg/m³। प्यारे बच्चों गामा डब्ल्यू एक्चुअली ये दोनों क्या है, डेंसिटी है, लेकिन कभी कभी डेंसिटी को हम लोग क्या बता देते हैं, यूनिट वेट बता देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो आपका हमको पता है प्यारे बच्चों प्रेशर डायग्राम, अगर हमको क्या निकालना है, वाटर प्रेशर निकालना है। तो वाटर प्रेशर कैसे निकालते हैं, वाटर फोर्स कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, एक्चुअली यहां पे हम सारा फोर्स निकालेंगे, बात करेंगे प्रेशर का, है ना। तो वाटर प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होगा वाटर प्रेशर हम लोग निकालते हैं प्यारे बच्चों इसी का एरिया जो आपका ट्रायंगल जो बना है, जो प्रेशर डायग्राम बना है, उसी का आपको एरिया निकालना होगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ½ γW/h ½ × बेस × हाइट ये कितना प्यारे बच्चों h मानते हैं,
हाइट है कितना है h, तो इनटू h, तो कितना हो गया पहले बच्चों वाटर प्रेशर, कितना हो गया वाटर प्रेशर आपका आ गया हाफ इंटू गामा डब्ल्यू इंटू एच स्क्वायर, हाफ इंटू गामा डब्ल्यू इंटू एच स्क्वायर। अब ये बताइए प्यारे वाटर प्रेशर का तो हम वैल्यू निकाल लिए, अगर हमको पूछेगा कि वाटर प्रेशर जो नेट वाटर प्रेशर है वो किस पॉइंट पे लगेगा, अप्लीकेशन पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन अगर पूछ दे, क्या पूछ दे आपको पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन ऑफ वाटर प्रेशर, अगर आपको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वाटर प्रेशर पूछे तो आपको पता है कि ट्रायंगल का सीधी कहां पे होता है प्यारे बच्चों h/3 पर, h/3 पे, तो h/3 क्या होगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वाटर प्रेशर कितना हो जाएगा h/3 फ्रॉम द बेस ऑफ, फ्रॉम द बेस ऑफ डैम। बात समझ में आया प्यारे बच्चों, वाटर प्रेशर हम निकाल सकते हैं, वाटर प्रेशर हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो अप स्ट्रीम में हो या डाउन स्ट्रीम हो, अगर डाउन स्ट्रीम में भी वाटर होगा प्यारे बच्चों, मान लीजिए यह एच हाइट तक डाउन स्ट्रीम में वाटर स्मॉल एच, तो यहां पे सिर्फ कैपिटल एच के जगह पे क्या हो जाएगा स्मॉल एच हो जाएगा कि नहीं स्मॉल एच हो जाएगा, तो हम अप स्ट्रीम में वाटर होगा तो वो भी निकाल सकते हैं, डाउन स्ट्रीम में अगर वाटर होगा तो वो भी निकाल सकते हैं, बट आंसर ये होगा कि अप स्ट्रीम का जो वाटर प्रेशर होगा उसका प्रेशर इधर लगेगा जबकि डाउन स्ट्रीम में वाटर प्रेशर इधर लगेगा, है ना, इस डायरेक्शन में लगेगा। चलिए ठीक है, तो ये हमने निकाला प्यारे बच्चों वाटर प्रेशर ऑन अ ग्रेविटी डैम। अब हम लोग बात करेंगे सेल्फ वेट ऑफ ग्रेविटी डैम हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, चलिए प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे वेट ऑफ ग्रेविटी डैम, दैट मीन सेल्फ वेट ऑफ ग्रेविटी डैम, दूसरा फोर्स क्या होगा सेल्फ वेट ऑफ ग्रेविटी डैम, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों सेल्फ वेट ऑफ ग्रेविटी डैम कैसे निकलेगा, तो एक बार आप सोचिए यूनिट वेट बराबर क्या होता है, यूनिट वेट बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, तो वेट बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम, यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम, यूनिट वेट, यूनिट वेट एंड वॉल्यूम मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। प्यारे बच्चों जब भी हम डिजाइन करते हैं ग्रेविटी डैम को तो उसको पर यूनिट लेंथ पे डिजाइन करते हैं, इधर लेंथ होगा ना प्यारे बच्चों, इधर इधर इसका लेंथ होगा, तो हम जब भी डिजाइन करते हैं तो पर यूनिट लेंथ मतलब एक मीटर लेंथ के लिए डिजाइन करते हैं, तो हमेशा जो लेंथ का हो लेंथ जो होगा प्यारे बच्चों वो क्या मान लेंगे यूनिट वेट इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ को क्या मानेंगे, क्योंकि हम लोग पर यूनिट लेंथ पे डिजाइन करते हैं ग्रेविटी डैम का सेल्फ वेट। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे सेल्फ वेट ऑफ ग्रेविटी डैम, डैम क्या हो जाएगा यूनिट वेट ऑफ ग्रेविटी डैम मटेरियल, ग्रेविटी डैम इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। प्यारे बच्चों सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसको मिटाएंगे, ये हम आपको दिखाएंगे सेल्फ वेट कैसे निकालेंगे यूनिट वेट इंटू ग्रेविटी डैम इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। लेंथ कहां गया प्यारे बच्चों, हम पहले ही बोल चुके हैं पर यूनिट लेंथ पे हम इसको डिजाइन करते हैं ना। तो चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए रफ में, हम इसको मिटा देंगे अभी, चलिए जल्दी नोट डाउन कीजिए। चलिए अब देखेंगे प्यारे बच्चों, हमको पता है कि आपका जो ग्रेविटी डैम है वो कंक्रीट मैसोनरी का बना हुआ है, तो याद रखिएगा यूनिट जब कंक्रीट का कितना होता है, तो कंक्रीट का जो यूनिट वेट होता है वो 24 kN/m³ होता है, क्या बोले यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट का कितना होता है 24 kN/m, और यूनिट वेट ऑफ आरसीसी, यूनिट वेट ऑफ आरसीसी मटेरियल होता है 25 kN/m³। अगर क्वेश्चन आपको कुछ नहीं बोलेगा तो आपको 24 kN/m³ ही ले लेना अपने मन से, ज्यूम करना। चलिए पहले बच्चों हम आप निकालने जाते हैं एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, मान लीजिए पहले बच्चों इस क्रॉस सेक्शन एरिया का अगर निकालना होगा ग्रेविटी डैम का वेट, तो क्या करेंगे पहले बच्चों एक आपका इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू इसका प्लस इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, तो यह हाइट देखिए, तो क्रॉस सेक्शन एरिया हम निकालने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, तो क्रॉस सेक्शन इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा a इंटू h,
ए इंटू एच होगा या नहीं, ए इंटू एच कैसे, ये रेक्टेंगुलर पोर्शन है प्यारे बच्चों, तो रेक्टेंगुलर पोर्शन का क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ए इंटू हाइट एच। चलिए अब हम इसका बात करें, ट्रायंगल की एरिया क्या होगा, इंटू हाफ टोटल बी है प्यारे बच्चों, बेस विड्थ बी है, तो ये आपका कितना होगा, बी माइनस ए होगा ना, टोटल बी है तो ए घटा देती है, बी माइनस ए होगा तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है बी माइनस ए, हाइट कितना है प्यारे बच्चों एच, तो ये आपका निकल गया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ग्रेविटी डैम। इसी को क्या करना है, यूनिट वेट ऑफ ग्रेविटी डैम से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा प्यारे बच्चों, आपका सेल्फ वेट ऑफ ग्रेविटी डैम निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज हमने पढ़ा कि डैम कहते किसको, क्या पढ़े हमने कि डैम कहते किसको है, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़े कि डैम्स के लिए जो साइट सेलेक्ट करेंगे उसका क्या क्राइटेरिया है। तो साइट सिलेक्शन फॉर ग्रेविटी डैम, सॉरी डैम्स हमने पढ़ा, फिर हमने पढ़ा प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ डैम के बारे में, जिसमें हम लोग को इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो ग्रेविटी डैम्स के बारे में पढ़ना है एंड अर्थन डैम्स के बारे में पढ़ना है, इन दो डैम्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए ग्रेविटी डैम, तो फिर हमने बताया कि व्हाट इज ग्रेविटी डैम्स, ग्रेविटी डैम्स का डिफिनेशन क्या है उनके बारे में हम लोग चर्चा किए, फिर हमने ये बताया कि कौन कौन सा फोर्स ग्रेविटी डैम पर एक्ट करेगा, तो बहुत सारे टाइप्स के फोर्स एक्ट करते हैं, उन सारे फोर्स के बारे में मतलब हमने चर्चा किया, नाम लिख दिया कम से कम है ना, और उन सारे फोर्सों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो उसमें से दो फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए, पहला था वाटर प्रेशर के बारे में और दूसरा था सेल्फ वेट ऑफ ग्रेविटी डैम हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि आगे जो अपलिफ्ट प्रेशर है वो कैसे निकालेंगे, वेव प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो उन सारे पे हम चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।